नमस्कार दोस्तों, मैं वैष्णवी स्वागत करती हूँ आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज वन में। आइए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। गाजियाबाद में अखिल भारतीय मजदूर सभा द्वारा स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में कहा गया है कि डॉक्टर सर्विस निलारा द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है उनके आधार पर उन्हें निलंबित किया जाए, साथ ही स्वास्थ्य विभाग के लंबे समय से चल रहे भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए। ज्ञापन से पूर्व अखिल भारतीय मजदूर सभा द्वारा प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई। स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ नारियावन मंडी समिति द्वारा कोरोना टेस्ट के नाम पर अवैध वसूली को लेकर मुख्यमंत्री से इसकी जांच करने के लिए मांग की गई। दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। बिजनौर से हमारे संवाददाता समी अहमद की रिपोर्ट। डॉक्टर सर्जन विद्यालय के कार्यभारी अधिकारी की गई है। तमाम शिकायतें आने के बाद ऑडियो भी वायरल हुई है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस पत्र को देकर हम लोग चाहते हैं कि डॉक्टर सर्जन विद्यालय को निलंबित किया जाए और उनके क्रियाकलापों की जांच की जाए। सर्कल ऐप, अपने शहर का अपना ऐप। किसान मजदूर सभा का जिलाध्यक्ष, आज हमने एक मुख्यमंत्री को संबोधित मांग पत्र श्रीमान जिलाधिकारी महोदय बिजनौर को दिया है और जिस उसमें जो है जो स्वास्थ्य विभाग बिजनौर है उसमें बढ़ते भ्रष्टाचार और बढ़ती जा रही अनियमितताओं की जांच की मांग हम लोगों ने की है। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने जनता की चिकित्सा का कोई विकल्प नहीं रखा है और हर तहसील पर नोडल अधिकारी नियुक्त करके जो है जो गरीब आदमी की चिकित्सा करते हैं प्राइवेट डॉक्टर, उनका झोला छाप के नाम पर उनकी दुकानें सील की गई, बाद में रुपए लेके खोली गई और इस भ्रष्टाचार में सबसे आगे डॉक्टर सर्वेश निराला है जिसके द्वारा भारी अनियमितताएँ बरती गई हैं, जिसने ओपीडी में मरीजों को शून्य देखा है। दूसरी बात, उसके द्वारा जो स्टाफ नर्स पूर्णिमा चौधरी है उसके साथ जो है गलत व्यवहार किया गया जिसकी शिकायतें हुई। एक मरीज के साथ उसने बदतमीजी की जिसकी ऑडियो वायरल हुई। दूसरा, एक पत्रकार के साथ सर्वेश निराला के द्वारा मारपीट बदतमीजी की गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि सर्वेश निराला ने अपने को मुख्य चिकित्सा अधिकारी बताकर और अपना जो है एक आदेश जारी करा कि पीएससी नजीबाबाद पर कोई मेडिकल लीगल नहीं होगा, ये भी इस पर भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हमने तमाम बातें जो रखी हैं और अभी जो उसकी जाँच ना कराने के नहीं कराई गई है और पीएससी अफजलगढ़ पे उसे तैनात कर दिया गया है, जहां उसने पूरे इलाके में एक पर्चा बांटा है 24 बीमारियों का इलाज करने का। पूरी तरीके से जो है विभाग की जो है अनदेखी अनुशासनहीनता डॉक्टर निराला के द्वारा बढ़ती जा रही है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यही अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा ने मुख्यमंत्री जी को संबोधित और एक जिलाधिकारी महोदय बिजनौर को पत्र दिया। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ 1।